कहा जाता है कि जो यूएस में मैनहट्टन शहर है उसके जितना बड़ा ये एयरपोर्ट है, और यहाँ पर आके जो मेरा पहला एक्सप्रेशन था वो था वाओ। तो हम आ गए हैं दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट पे, टर्की इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मेरी फ़्लाइट थी दिल्ली से तेल अवीव की, लेकिन वो टर्की में कनेक्ट होके जा रही है, और यहाँ पे 2.5 घंटे का ले ओवर है। पीछे मेरे स्क्रीन आपको दिख रही होगी, इसी में ही बताया जाएगा कि कहाँ पर मेरे गेट्स हैं। अभी गेट्स खुले नहीं हैं, 11:15 के आसपास यहाँ पर गेट खुलेंगे। और बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट है, जैसा इसके बारे में मैंने सुना था कि बिल्कुल वैसा कि वैसे ही है यार, ये कोरोना वायरस के चक्कर में ये लगाना पड़ रहा है। तो ये बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट है, बहुत बड़ा, बहुत ही ये लगा लो बहुत खूबसूरत है। और कहा जाता है कि जो यूएस में मैनहट्टन शहर है उसके जितना बड़ा ये एयरपोर्ट है, और यहाँ पर आके जो मेरा पहला एक्सप्रेशन था वो था वाओ। बहुत ही बढ़िया एयरपोर्ट है, बहुत ही सुंदर है, सामने ड्यूटी फ्री भी है, हर जगह ड्यूटी फ्री है। ये एयरपोर्ट कम मॉल ज़्यादा लग रहा है, जो बहुत बड़े बड़े मॉल होते हैं। बहुत ही अच्छा एयरपोर्ट है, अभी तक मैंने सबसे अच्छा एयरपोर्ट सिंगापुर एयरपोर्ट देखा था, लेकिन ये उससे भी काफ़ी बड़ा और बहुत ही एडवांस है। तो पूरा एयरपोर्ट आपको दिखाने वाला हूँ, 11:15 की मेरी फ़्लाइट है। तो ये एपिसोड होगा यहाँ का, टर्की का इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ये दिखाने वाला हूँ, और फिर मैं पूरा दिखाऊंगा आपको तेल अवीव इज़राइल का पूरा दिखाने वाला हूँ। तो बने रहिए। बहुत ही बढ़िया यार, ये जो डिज़ाइन बन रखा है अल्टीमेट, कैमरे में शायद इतना अच्छा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन देखने में अपनी आंखों से आगे बहुत ही अच्छा लगेगा। एलवी का भी सामने शोरूम है, और काफ़ी अच्छा ये एयरपोर्ट। गुची भी है भाई, और ये सामने यूनिफ्री ड्यूटी फ्री। और ये यहाँ पे सोने के लिए, लोगों के लिए, रेस्ट करने के लिए जिनकी फ्लाइट लेट है। ये मम्मी खड़ी है, हाय मम्मी, क्या थक गए क्या? तो जो हमारी फ़्लाइट का गेट था, मैंने अभी तो मैं आपको पहले बता दूं, एयरपोर्ट पे ही मैं कल रात से, मेरी सुबह से यानी फ़्लाइट है, तो रात को 12 बजे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली पहुंच गया था। उसके बाद 6.5 घंटे के आसपास की फ़्लाइट थी, डायरेक्ट यहां पर आई है, और बीच में टाइम चेंज भी होता है, तो इसलिए मेरे को फ़्रेश होने का टाइम नहीं मिला। तो मैं इस्तांबुल एयरपोर्ट पर ही फ़्रेश हुआ हूँ, और तब तक मेरा गेट डिसाइड नहीं हुआ था। अब मैं फ़्रेश हो गया हूँ, कपड़े वही पहन रखे हैं, कपड़े तो वहाँ पे जाके चेंज करूँगा तेल अवीव में। तो फ्रेश हो गया, मैंने देखा स्क्रीन पे तो गेट असाइन हो गया है, मेरा गेट है F5B। तो अब जा रहा हूँ गेट की तरफ। इस्तांबुल एयरपोर्ट, मम्मी निकल गई हैं आगे गेट की तरफ। दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहा जाने वाला इस्तांबुल न्यू एयरपोर्ट, सारे ड्यूटी फ्री हैं। ये तो शायद
कॉस्मेटिक्स का है सारा, कॉस्मेटिक हो गया गुची बर्बरी। अरे बाप रे बाप भाई, सारे के सारे यहाँ पे जो लग्जरीज ब्रांड है अवेलेबल है। और मेरे ख्याल से यहाँ पे हर एक ड्यूटी फ्री सेपरेट है, यानी अगर ये ड्यूटी फ्री मेरे ख्याल से सिर्फ यहाँ पे कॉस्मेटिक्स का सामान मिल रहा है और परफ्यूम्स मिल रहे हैं, यानी इसमें और ज़्यादा लिकर या ऐसे कुछ चीज़ नहीं है ना। चॉकलेट्स है, चॉकलेट्स का वो सामने आ गया, यानी हर एक ड्यूटी फ्री का सेक्शन अलग है, एक में ही सारी चीज़ें नहीं है। बहुत बड़ा यार ये, बहुत बड़ा। ये चश्मों का ड्यूटी फ्री जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, ग्लेयर्स रेबैन लगे, लेकिन ड्यूटी फ्री रेबैन तो रेबैन ही रहेगा भाई। ब्यूटीफुल यार, बहुत बड़ा और बहुत ही खूबसूरत एयरपोर्ट है। और सामने स्क्रीन आ गई है और ये मेरी मासी जी और मम्मी आगे जा रही हैं, यहीं पर ही मेरी स्क्रीन है सारी। यहाँ पे डिस्प्ले होता है कौन से फ्लाइट कौन से गेट पे है, कितने बजे से है गेट ओपन। और हर जगह ड्यूटी फ्री भाई, ड्यूटी फ्री, ड्यूटी फ्री है, कमाल हो गया भाई। मतलब टर्की ने यार इतनी तरक्की कर ली भाई, क्या ज़बरदस्त वर्ल्ड क्लास बना रखा, मज़ा आ गया। अब मेरा गेट है F। और खाने पीने के भी काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पर, लेकिन मेरा तो पेट भरा हुआ है, मैं तो खा के आऊँ। और एक बात और भाई, इंडिगो की मेरी फ़्लाइट है यहाँ से कनेक्टिंग, इंडिगो बजट कैरियर है। मैंने सोचा नहीं था वो खाने के लिए कुछ देंगे, लेकिन एंड में उन्होंने तरस खा के दे ही दिया, काजू दे दिए, कॉफ़ी दे दी और बिस्किट दिए और बादाम भी दे दिए भाई। उससे एक्सपेक्ट नहीं था इस तरह की वो सर्विस दे देगा, जाते जाते तरस खा लिया उन्होंने सब पे, लगता है सबको दिया सबको। तो चलो अब तो भूख है नहीं, ये आप एयरपोर्ट का नज़ारा देखते हुए चलो। ओल्ड बाज़ार बहुत ही खूबसूरत बना रखा है यार ये एयरपोर्ट, ये देखो सामने देखो। अब मेरा गेट F है और F इधर है मेरे लेफ्ट पे, सीधा जाना है भाई, बहुत लंबा है ये। और 1:15 की मेरी फ़्लाइट है, बहुत खूबसूरत जिस तरह से ये कंस्ट्रक्ट हो रखा है, अल्टीमेट भाई। क्या क्या दिखाऊं भाई, हर चीज़ खूबसूरत है यार यहाँ पे, तो खुद आपको विज़िट करना पड़ेगा ये एयरपोर्ट। एक और चीज़ अगर आप कहीं जा रहे हो और इस्तानबुल से अगर कनेक्टिंग है आपकी फ़्लाइट, तो भाई निराश मत हो, बहुत बड़ा है, कैसे घंटे बीत जाएंगे पता भी नहीं लगने वाला आप लोगों को। क्यों मैम, मैं सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा, इतना बड़ा एयरपोर्ट है भाई, हमारे 2 घंटे कैसे बीत गए पता ही नहीं लगा भाई। तो आ जाओ सामने, बर्गर किंग भी है, फूड कोर्ट एरिया दिखाता हूँ, देखो तो देखो ऊपर ये फूड कोर्ट एरिया सारा। और ये शायद यहाँ पे और कुछ भी डेवलप हो रहा है भाई, क्या क्या बनाओगे, सब कुछ है यहाँ पे, और भी कुछ चीज़ रह गई क्या। एक काम करो भाई, इस्तानबुल का अगर कोई वीडियो देख रहा है इसको एयरपोर्ट मत कर भाई, इसको एक पूरा शहर घोषित कर दो आप। पूरा शहर, हाँ शहर घोषित नहीं कर दो इसको, ये जिस तरह से चुनाव बड़ा भाई कई एकड़ों में फैला पड़ा है, तो सारी चीज़ें भाई यहाँ पे मार्केट है, बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ ये देखो सारी ब्रांडेड, ये देखो भाई क्या क्या नहीं है भाई, यहाँ जितना दिखाऊं ये उतना कम है। जितना इस एयरपोर्ट की तारीफ कर रहा हूँ मैं उतनी कम है, उतने मेरे पास वर्ड नहीं मिल रहे, मैं कैसे इसको डिस्क्राइब करूँ और कैसे बताऊँ किस तरह से है ये एयरपोर्ट, मतलब बिल्ड करा हुआ यार अल्टीमेट। ये क्या है कुछ देखें, क्या ये इस्तानबुल एयरपोर्ट कुछ हो तो रहा है यहाँ पे, है क्या देखूँ चलो जाके।
फोटोग्राफ करा सकते हैं यहाँ पे इस्तांबुल एयरपोर्ट के लिए। काफ़ी अच्छे तरीके से बना रखा है और ये खा पी भी सकते हैं। और घर वाले वहाँ पर फ़ोन पे लगे हुए हैं, फ़ोन आ गया है। वाईफाई एक घंटे के लिए फ्री मिलता है यहाँ पर और पासपोर्ट के थ्रू मिलता है। पासपोर्ट को स्वैप करना पड़ता है, मशीन पे जाके पर्ची निकलती है, उसे ऑन करो वाईफाई अपने फ़ोन में और कोड डालो, पासपोर्ट नंबर डालो, वो कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन एक घंटे के लिए ही है पर पासपोर्ट पूरे दिन में, याद रखो ये बात। इतने आनंद लो भाई लोग। चंगी एयरपोर्ट सिंगापुर का यार, इसके सामने कुछ भी नहीं है भाई। ज्यूरिक का, पेरिस का, जिनेवा का, ओमान का भी। हाँ, ओमान का मैं बहुत अच्छा, जब मैं गया था आपने देखा होगा, ओमान एयरपोर्ट भी दिखाया मैंने अपने इसी चैनल पे, आपने देखा होगा जब मैं पेरिस गया था तो ओमान से मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट थी, तो ओमान का एयरपोर्ट बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया। उस वक्त मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन भाई ये देखा है इसने फेल कर दिया, ज़बरदस्त है भाई। और गेट एफ की तरफ हम बढ़ते हुए, ये इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ड्यूटी फ्री, वो देखो लिखा भी है इलेक्ट्रॉनिक। और भाई जो शौकीन लोग हैं उनके लिए भी है मेरे भाइयों, देखो। लेकिन महंगा बहुत होने वाला है शायद यहाँ पर, मैं पीता नहीं हूँ इसलिए मेरे को पता भी नहीं है, अब जाके देखते हैं। एफ ये रहा, एफ में जा रहे हैं, एफ फाइव, एफ फाइव है हमारा, जैसे मर्जी चलते हुए लिखा है, एफ वन से 19 यही है, तो हमारा एफ फाइव भी है। अब नीचे जा रहे हैं, सामने एयरपोर्ट के रनवेज आ गए हैं, तो यानी यही कहीं है, बहुत ही बढ़िया एयरपोर्ट। और ये लास्ट आप झलक देख लो इसकी, क्या बढ़िया बना हुआ है, मेरी मासी आती हुई। मतलब भाई इस एयरपोर्ट ने है ना पूरा इम्प्रेस कर दिया मुझे भाई, बहुत ही बढ़िया यार। ओमान का मेरे को बहुत पसंद आया था, जिनेवा का तो छोटा एयरपोर्ट था, ज्यूरिक का अच्छा एयरपोर्ट था, लेकिन भाई इस्तांबुल वालों ने कमाल कर दिया यार। क्या चीज़ बना रखी है, गिरते गिरते बढ़िया, क्या चीज़ बना रखी है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा फैला पड़ा भाई। और मेरा ट्रांसफ़र है यहाँ से, पता नहीं मेरे 2-2.5 घंटे कब बीत गए, अब मेरे को जाना है F5 में। भाई एक और चीज़, अगर आप गेट की तरफ जा रहे हैं तो भूख लगा है बीच में, तो बर्गर किंग भी बीच में दे रखा है, ये पहली बार देखा है भाई ऐसे गेट में। देखो जा रहे हैं हम, F5 गेट है, F5 भी और बीच में बर्गर किंग, ये भी एक तरह का नया है मेरे लिए। तो भाई ऐसे जाते जाते बिल्कुल ये गेट है, देखो पीछे मेरे गेट है, सामने ये बर्गर किंग है, देखो ये मेरे लिए तो नई चीज़ है भाई, गेट के सामने बिल्कुल खाने को मिल जाता है, उनको बहुत दूर होता है वैसे, मैंने ज्यूरिख के एयरपोर्ट पर भी देखा था ऐसा, लेकिन यार बहुत बड़ा एयरपोर्ट है भाई। एक और ड्यूटी फ्री है भाई सामने, तो देखो ये देखो ड्यूटी फ्री भाई। लेकिन मुझे कुछ ख़रीदना नहीं है, परफ्यूम्स का लेकिन भाई परफ्यूम्स का लेकिन खुशबू ज़बरदस्त आ रही है भाई, खुशबू बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, धीमी धीमी जो होती है ना, जो अच्छी लगती है वो नहीं सर में चढ़ने वाली, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखो परफ्यूम्स, साथ में सौदा भी है भाई जो शौकीन लोग हैं उनके लिए। 40 हो गए, वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं भाई। एक चीज़ और हो गई, एक बसोड़ी ख़त्म नहीं होती है, दूसरी बसोड़ी पहले शुरू हो जाती है। यहाँ पर आ गए थे, अपने गेट पे आ गए थे, अब एंड टाइम पे आके पता लग रहा है पूरा गेट F5B के सामने आके कि गेट चेंज हो गया। और जैसा कि मैं आपको बार बार बता जा रहा हूँ, इतना बड़ा एयरपोर्ट है ये, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, तो इसका जो अब नया गेट आया है वो A1J, अब मैं F में हूँ, अब ए पता नहीं यार कहाँ पर होगा, इतनी मुश्किल से तो यहाँ पहुँचे हैं घूमते घूमते, पैरों में भी दर्द हो गया यार। और अब जाना है गेट A1J पे, बहुत दूर है, देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं, फ्लाइट का टाइम भी होने वाला है। गेट A1J
और हाँ भाई, आके आराम से बैठने जाया करो कि हमारा गेट यही है फाइनल। एक बारी लास्ट फाइनल देख भी लिया करो स्क्रीन पे कि गेट चेंज हो रहा है या नहीं है। जैसे अभी हम आके बैठ गए थे वो तो नज़र चली गई कि गेट चेंज हो गया है, तो इसलिए आके आराम से मत बैठा करो, आ जाओ तो फिर भी चेक कर लिया करो कि गेट चेंज हुआ है या नहीं है। ये लास्ट टाइम पे कर देते यार, ये इंडिगो बजट कैरियर है, कुछ भी कर सकता है। जैसा मैंने बताया इसने खाना दे दिया, स्नैक्स दे दिया लाइट, तो अब गेट चेंज कर दिया इसने, गेट A1J। ये लिखा पिक्चर्स क्यू स्पॉट, पीछे लिखा है इस्तांबुल एयरपोर्ट। तो यहाँ पे क्यू लगी हुई है, आप देख सकते हैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए। एक चीज़ और यार, हम इंडियन होते हैं, हम क्यू व्यू मानते नहीं है, तो डायरेक्ट अंदर घुस गए। यहाँ लोगों ने बोला क्या है क्यू लगी हुई है, बाद में देखा अच्छा उतर के फिर वापस आना पड़ा, लंबी क्यू है। तो अब आपको एक बात और बता दूँ, जो एफ़ में हमारा गेट था मैंने आपको बताया जैसे कि चेंज हो गया, तो अब मैं वापस आ रहा हूँ, मेरे को पूरा उल्टा पड़ गया है जाने के लिए। ए गेट बहुत दूर है उल्टा, जहाँ मैं बैठा हुआ था यहाँ से वापस पीछे एफ़ में गया था गेट लेने के लिए, फ़्लाइट वहीं थी, उसके बाद वो चेंज हो गया। तो अभी देखा आपने जैसे कि पिक्चर्स की स्पॉट था, वापस अब फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और अब वापस जा रहा हूँ A1J में, गेट जो चेंज हुआ इंडिगो का हमारा। बहुत दूर है यार, थक गए, वो पहले एफ इतनी दूर था, यहाँ से वहाँ गए, थक गए जाते जाते, अब फिर वहाँ से यहाँ आए हैं, और पैदल पैदल चल चल के पैरों का तो बुरा हाल हो रहा है भाई। ये देखो, और ये वो मशीन है जहाँ से इंटरनेट आपको मिलता है पासपोर्ट के थ्रू 1 घंटे के लिए। और ये हाँ जी, और ये सामने हम बैठे हुए थे, और अब वापस हमें गेट ए पे जाना पड़ रहा है, बहुत दूर है, थक गए भाई, थक गए, जा रहा हूँ मैं फ्लाइट। अब इस एपिसोड में तो आपको दिखा दिया पूरा एयरपोर्ट, वर्ल्ड का सबसे बड़ा एयरपोर्ट इस्तांबुल न्यू एयरपोर्ट दिखा दिया अब आपको। नेक्स्ट अब एपिसोड में आप देखोगे मेरे साथ इज़राइल। देखते रहिए, बने रहिए, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। कोई इस्तांबुल आ रहा हो तो उसको ये वीडियो ज़रूर दिखाना, पसंद आएगी, गाइड हो जाएगा कैसे कैसे क्या क्या करना है। तब तक के लिए बाय बाय।